दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स रखने वाले हैं जिन्हें सुनने के बाद आप शॉक्ड हो जाओगे और हैरत में पड़ जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर एक, ईमेल के बिना आज दुनिया का चलना भी मुश्किल लगता है। कामकाज को आसान बनाने और करोड़ों की लागत में लगने वाले कागज को बचाने में ईमेल ने जो हमारी सहायता की है उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आपको ये जानकर बहुत ही गर्व होगा कि ईमेल का आविष्कार करने वाला व्यक्ति भारतीय है और ईमेल के आविष्कारक का नाम डॉक्टर शिवा अय्यादुरई है जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। ईमेल के जन्मदाता शिवा अय्यादुरई जी का जन्म 1964 में मुंबई में रहने वाले एक तमिल परिवार में हुआ था। 7 साल की उम्र में शिवा माता पिता के साथ अमेरिका में जा बसे थे। 1978 में शिवा ने दुनिया का पहला इंटर ऑफिस मेल सिस्टम तैयार किया था जिसे ईमेल का नाम मिला था। उस वक्त शिवा अय्यादुरई महज 14 साल के थे। नंबर दो, दुनिया भर की टेंशन दूर करने वाली इकलौती मेडिसिन चाय है। चाय की एक चुस्की आलसी आई शरीर में एकदम फुर्ती पैदा कर देती है। भारत ही नहीं दुनिया भर में चाय के आशिक जगह जगह मिल जाएंगे। यूं तो नुक्कड़ चौराहों पर 10-20 रुपए में गर्मा गर्म प्यारी चाय का मजा लिया जा सकता है, मगर आज हम जिस चाय के बारे में बात करने वाले हैं उसकी कीमत करोड़ों में है। चीन में उगाई जाने वाली द होंग पाओ चाय दुनिया की सबसे महंगी चाय है। इसे आज भी सदियों पुरानी चीनी तरीकों से उगाया जाता है और यह पूरी तरह प्राकृतिक होती है। माना जाता है कि मिंग शासन के दौरान इस चाय की उत्पत्ति हुई थी। कहते हैं कि इस चाय को पीने से कई गंभीर बीमारियां दूर हो जाती हैं। इसे काफी कम मात्रा में उगाया जाता है। इस चाय पत्ती की कीमत करीब 9 करोड़ रुपए प्रति किलो है। नंबर तीन, फिलिप सेमलेविस नाम के एक डॉक्टर ने वेस्टर्न देशों में सबसे पहले कहा था कि बीमारियों से बचने के लिए हाथ धोना जरूरी है। 1847 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के अस्पताल में काम करते वक्त उन्होंने पहली बार हाथ धोने की जरूरत लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके साथी डॉक्टरों ने उन्हें पागल करार दिया। इसके बाद उनको पागल खाने भेज दिया गया जहाँ कुछ लोगों ने उन पर हमला किया और उनके दाहिने हाथ में चोट लग गई और बाद में इसी चोट के चलते उनकी मौत हो गई। नंबर चार, हम लोगों में से अधिकतर लोगों को यह गलतफहमी जरूर होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा पिरामिड इजिप्ट या कहे तो मिस्र में पाए जाते हैं, लेकिन यह तथ्य जानकर आप चौंक जाएंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा पिरामिड मिस्र देश में नहीं पाए जाते बल्कि वह सूडान देश में पाए जाते हैं। मिस्र में 138 आधिकारिक पिरामिड है, लेकिन ऐसा माना जाता है उत्तर सूडान रेगिस्तान में 200 से भी अधिक पिरामिड है। मिस्र के पिरामिड 400 फीट के करीब ऊंचे हैं, जबकि सूडान के पिरामिड 20 से 100 फीट ऊंचे हैं। नंबर पाँच, दया दुख का कारण बन सकती है। हुआ यूं कि एक बार एक पादरी ने एक 4 साल के बच्चे को डूबने से बचाया था और एक पुण्य का काम किया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसने जिस बच्चे को बचाया है वो बच्चा बड़ा होकर 60 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत का कारण बनेगा। दरअसल वह 4 साल का बच्चा और कोई नहीं बल्कि वह हिटलर था जो बड़ा होकर 60 लाख लोगों की मौत का कारण बना था। दोस्तों आपको ये फैक्ट्स कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा और आगे आप कौन से फैक्ट्स के बारे में वीडियो चाहते हैं इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।